हाय दोस्तों, हम लोग अभी तक डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन कवर कर चुके हैं और फिजिकल एस्पेक्ट्स के अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज कम्यूटेशन। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा भी था कि इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी मशीन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने नाम क्या बताया था? नाम मैंने बोला था आर्मेचर रिएक्शन। जितने भी लोग मशीन पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं मशीन को ऑलरेडी, वो ये जरूर जानते होंगे कि ये टर्म ऐसी है जिससे रोटेटिंग मशीन के अंदर पीछा छुड़ा पाना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये टर्म अगर आपको नहीं आती है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जगह कहीं भी आप डिस्कस करोगे, कहीं भी आप इंटरव्यू दोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मशीन का डिस्कशन चले और उसमें बात आर्मेचर रिएक्शन की ना की जाए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एनी रोटेटिंग मशीन। अब बात यह होती है आर्मेचर रिएक्शन, सबसे पहला अगर समझें इस टर्म का मतलब क्या है। ये टर्म जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ से ही ओरिजिनेट हुई है। न्यूटन थर्ड लॉ तो याद होगा सभी लोगों को, क्या होता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी रिएक्शन किसी एक्शन के अगेंस्ट ही हो सकता है, बिना किसी एक्शन के कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। इतनी बात तो समझ आ रही है। अब क्या होता है, जब फील्ड वाइंडिंग किसी भी मशीन के अंदर फ्लक्स बनाती है तो वो है एक्शन। यानी मैंने क्या बोला कि फील्ड फ्लक्स होता है हमारा एक्शन। अब ये जो फील्ड फ्लक्स है ये क्या कराता है? आर्मेचर वाइंडिंग में ये ईएमएफ बनाता है, और आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ बनने से प्रोड्यूस होता है करंट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फील्ड फ्लक्स लीड्स टू आर्मेचर ईएमएफ व्हिच लीड्स टू आर्मेचर करंट। अगर आर्मेचर में करंट आ गया तो आर्मेचर अपना फ्लक्स या एमएमएफ भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है इसे कहते हैं रिएक्शन। तो आर्मेचर फ्लक्स बनने के पीछे क्या रीजन रहा? आर्मेचर फ्लक्स बनने के पीछे फील्ड फ्लक्स रीजन रहा। तो फील्ड फ्लक्स इज द एक्शन एंड आर्मेचर फ्लक्स इज द रिएक्शन। तो इसमें लिखना, आर्मेचर रिएक्शन रिप्रेजेंट्स आर्मेचर फ्लक्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आर्मेचर करेंट, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय आर्मेचर करेंट विच इटसेल्फ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फील्ड फ्लक्स, विच इटसेल्फ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फील्ड फ्लक्स। नेक्स्ट पॉइंट, द फील्ड फ्लक्स एक्ट एज द एक्शन एंड द आर्मेचर फ्लक्स इज कॉल्ड एज रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी अगर कभी भी लाइफ में पूछता भाई आर्मेचर रिएक्शन से क्या समझते हो, कि भाई आर्मेचर रिएक्शन कुछ भी नहीं है, है क्या? आर्मेचर का फ्लक्स। तो आर्मेचर के फ्लक्स को आर्मेचर रिएक्शन क्यों बोला? क्योंकि ये अपने आप नहीं बना, ये बना फील्ड फ्लक्स के कारण। अगर फील्ड फ्लक्स नहीं होता तो आर्मेचर फ्लक्स भी नहीं जनरेट होता। इतनी बात क्लियर हुई? ये चीज क्लियर है ना? अब बात है, चलो ठीक है भाई आर्मेचर फ्लक्स बना रहा है, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या फिर ये काफी ज्यादा रिलेवेंट चीज है? तो हमें ये समझना होगा आर्मेचर रिएक्शन मशीन के अंदर क्या करता है। तो इसमें लिखना, आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूसेस टू अनडिजायरेबल इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या होता है? Distortion of the main field flux that is the flux density due to field pole gets distorted। देखो मैंने ये बताया था ना कि flux density, याद करो मैंने basic में बताया था कि flux density की जो waveform होती है वही waveform EMF की होती है। इसीलिए हमने बोला था कि फ्लक्स डेंसिटी कैसी लेनी चाहिए? फ्लैट टॉप। तो मैं बोल रहा हूं, जो तुमने फ्लक्स डेंसिटी फ्लैट टॉप ली वो तो फील्ड पोल की वजह से ली ना। अगर आर्मेचर का भी फ्लक्स बनने लगा तो जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ फील्ड पोल की नहीं होगी, वो फील्ड और आर्मेचर की मिला के होगी।
और फील्ड और आर्मेचर की फील्ड अगर मिला के टोटल बन रही है तो ये आर्मेचर फील्ड फ्लक्स की वेवफॉर्म को खराब कर देता है, और अगर फ्लक्स डेंसिटी की वेवफॉर्म बिगड़ी तो उससे बनने वाले ईएमएफ की वेवफॉर्म भी खराब हो जाएगी। ठीक है, अगला लिखो, नेट रिडक्शन इन द फील्ड फ्लक्स पर पोल। नेट रिडक्शन इन द फील्ड फ्लक्स पर पोल, यानी कि जो फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स जो आएगा वो कम हो जाएगा। अब एक चीज सोचो, ईएमएफ क्या होता है, बीएलवी। अगर बी कम हो गया तो ईएमएफ कम हो जाएगा। सेम वे में टॉर्क होता है आईएल क्रॉस बी, तो अगर बी कम हुआ तो टॉर्क भी कम। तो इसके आगे लिख लेना ब्रैकेट करके, ईएमएफ एंड टॉर्क रिड्यूसेस। टॉर्क निकालोगे तो फोर्स से ही ना भाई, और फोर्स का मैंने तरीका क्या बता रखा है, आई डीएल क्रॉस बी। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई, बी कम हो गया, तो फोर्स और टॉर्क भी कम हो जाएगा, और बीएलवी के हिसाब से ईएमएफ भी कम हो जाएगा। तो आर्मेचर रिएक्शन वेवफॉर्म भी बिगाड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और टॉर्क को भी कम कर देगा। ये दो इफेक्ट ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा मेजर होते हैं ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। अगला पॉइंट लिखना, ये तो दोनों इफेक्ट हो गए, इससे अलग हटके लिखना अगला पॉइंट, डिस्टॉर्शन ऑफ द फील्ड फ्लक्स, डिस्टॉर्शन ऑफ द फील्ड फ्लक्स इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंसेस कम्यूटेशन इन्फ्लुएंसेस कम्यूटेशन। अब देखो, पिछले वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था कि कम्यूटेशन के दौरान दिक्कत किस बात की आती है, कि जब कम्यूटेशन चलता है तो कॉइल हो जाती है शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किटेड होने के कारण उसमें जो वोल्टेज अगर बन गई तो वो क्या कराती है, स्पार्किंग। तो आर्मेचर रिएक्शन भी क्या करेगा, कॉइल के अंदर स्पार्किंग करवा सकता है, विच इज अनडिजायरेबल। ठीक है, कैसे करवाएगा ये अभी देखते हैं। ठीक है ना, अब देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को और डिटेल में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स समझना पड़ेगा, है ना। तो स्टार्ट करें, ये क्लियर हुआ, आर्मेचर रिएक्शन कुछ भी नहीं है, आर्मेचर फ्लक्स है। दो नुकसान है, वेवफॉर्म बिगाड़ता है और फ्लक्स को कम कर देता है। अब ये चीजें अभी देखेंगे भी कैसे हो रहा है, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है ना, ये तो ऐसे बात हुई कि मैंने कह दिया और तुमने मान लिया, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो देखो, मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड शो करूंगा फील्ड पोल्स की भी और साथ ही साथ आर्मेचर की भी, और फिर ये देखेंगे दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है। ये नॉर्थ और ये अपना साउथ, ये बीच में आर्मेचर बन गया। अब मैंने ये बोला था ना, याद करोगे, कम्यूटेटर हर बार दिखाना जरूरी नहीं होता, तो क्या कर देते हैं कि ब्रशेस को पोल्स के परपेंडिकुलर दिखा देते हैं। ठीक है, अब मैं कॉइल्स दिखा देता हूं, ठीक है, तो मैंने कॉइल्स ऐसे बनाई हैं कि बिल्कुल बराबर अमाउंट में बनाई हैं दोनों तरफ। अब मेरी बात को समझना, यहां से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होने वाली हैं, तो जितना केयरफुली हो सके हर बात को उतना केयरफुली सुनने की कोशिश करना। सबसे पहले मुझे तो ये बताओ, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है इनकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। तो तुम क्या कहोगे, कोई भी परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा नॉर्थ से बाहर जाती है और साउथ के अंदर जाती है। तो अगर नॉर्थ से बाहर जाने वाली है तो ऐसे आ जाएगी ना, इस टाइप से नॉर्थ से साउथ चली जाएगी। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, किसकी वजह से, फील्ड पोल्स की वजह से। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ऐसे दिखा देता हूं कि फील्ड का एमएमएफ जो है ना राइट में है,
अब फील्ड के एमएमएफ के जो परपेंडिकुलर एक्सेस होती है इसे बोलते हैं जी एन ए, या कई जगह जी एन पी भी बोला जाता है, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल प्लेन, और हम बोल रहे हैं यहां पे ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस। अब ये क्या चीज है, जी एन ए इज ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस। न्यूट्रल एक्सेस का मतलब होता है अगर कोई कॉइल इस एक्सेस पे लाई करेगी तो उसमें बनने वाला ईएमएफ जीरो होगा। ठीक है, जिस एक्सेस पे लाई करने वाली कॉइल का ईएमएफ जीरो हो जाए उसी को कहते हैं न्यूट्रल एक्सेस। तो इसमें लिख भी लेना, न्यूट्रल एक्सेस रिप्रेजेंट्स द एक्सेस अलोंग विच इफ अ कॉइल लाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। और याद करो मैंने ये भी चीज बताई थी तुम्हें कि फील्ड एमएमएफ के अलोंग वाली जो एक्सेस होती है उसको डी एक्सेस कहते हैं, और इससे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे जो एक्सेस होती है इसको क्यू एक्सेस कहा जाता है। ठीक है, तो जी एन ए कुछ भी नहीं है, क्यू एक्सेस है। अब बात है ऐसा कैसे पता, ये बात कैसे पता कि इस एक्सेस पे लाई करने वाली कॉइल का ईएमएफ जीरो। उसके लिए देखो क्या होता है, ये वाली एक्सेस को मैं जी एन ए कह रहा हूं ना। अब क्या होता है, अगर मान लो एक जनरेटर के लिए रोटेशन ऐसे ले लो, जनरेटर रोटेशन, मुझे जरा ये बताओ इसमें सबसे ऊपर वाली कॉइल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस तरफ होगी। इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी राइट, और नीचे वाली की लेफ्ट। ईएमएफ का तरीका ये होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ईएमएफ इज इंटीग्रल वी क्रॉस बी डॉट डीएल। ठीक है, वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। यहां वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, यहां वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। यानी ऐसा भी कह सकते हो न्यूट्रल एक्सिस वो होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि उस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी आ गई किसी भी कॉइल की तो ईएमएफ जीरो बनेगा। बात समझ आई, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल होते हैं तो ईएमएफ होता है जीरो। अब ऐसे इधर देखो, अगर इधर निकालना होता, इधर वेलोसिटी है अपवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड है राइट में, तो वेलोसिटी अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड राइट, चाहे तो एक्स वाई जेड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट से करना चाहोगे, ये वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, कैसे आ रहा है अंदर, यानी यहां क्या आना चाहिए क्रॉस और यहां क्या आना चाहिए फिर डॉट। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब ये डॉट क्रॉस का यूज नहीं कर रहा हूं, बस मैंने निकालना बताया डॉट क्रॉस कैसे निकालोगे, और ये चीज मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि वी क्रॉस बी से ही ईएमएफ की डायरेक्शन आती है। चाहो तो एक्स वाई जेड कर लो, देखो एक्स वाई जेड भी बना सकते हो, मैंने बताया था ना पहले भी एक्स वाई जेड से निकालते हैं एक्स वाई जेड। अब देखो वेलोसिटी ऊपर माने जेड कैप, मैग्नेटिक फील्ड राइट में माने वाई कैप, तो वी क्रॉस बी करना है तो जेड क्रॉस वाई माइनस एक्स आएगा, यानी अंदर आएगा। ठीक है, तो यही तरीका है, एक तो कि आई जे के या एक्स वाई जेड से कर लो, या फिर वी क्रॉस बी से कर लो। मेरी बात समझ आई जी एन ए तक? जी एन ए का मतलब क्या हुआ, ऐसी एक्सेस या ऐसा प्लेन जिस पे अगर कॉइल लाई कर गई तो उसका ईएमएफ जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां वेलोसिटी और फ्लक्स डेंसिटी पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, और जी एन ए और क्यू एक्सेस एक ही बात है, और फील्ड पोल्स की एक्सेस को कहते हैं डी एक्सेस। मैंने एक बात और बताई थी, डी एक्सेस और क्यू एक्सेस के बीच का एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट याद रहेगी, जनरेटर का रोटेशन कैसा माना है, क्लॉकवाइज। अब देखो क्या होता है, जनरेटर मोटर में ना दो चीजें हो सकती हैं। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, ठीक है समझना जरा, कि अगर एक जनरेटर होता है तो जनरेटर के अंदर दो तरह के टॉर्क होते हैं। कौन कौन से टॉर्क होते हैं जनरेटर के अंदर, एक तो होता है प्राइम मूवर टॉर्क जो इसको घुमाता है, ठीक है इसी डायरेक्शन में घूमता है, और जनरेटर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए जो टॉर्क बनाता है वो इससे अपोजिट बनाता है। ठीक है,
और मोटर के अंदर होते हैं अगेन दो टॉर्क, मोटर के अंदर फिर से दो टॉर्क की पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन से दो टॉर्क आते हैं मोटर के अंदर? एक तो जो टॉर्क मोटर बना रही है यानी डेवलप टॉर्क, उसी डायरेक्शन में मोटर घूमेगी और इसको अपोज करेगा एनर्जी लेने के लिए लोड। ऐसा हमने एनर्जी कन्वर्जन के अंदर देखा था ना, इतना बेसिक मैंने तुम्हें वहां पे कवर करा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अगर भूल गए हो तो एक बार रिविजिट कर लेना एनर्जी कन्वर्जन का फर्स्ट वीडियो, उसके अंदर हमने ये सब चीजें डिस्कवर की थी। अब देखो मेरा कहना यहां पे ये है, ये बात यहां कैसे सिग्निफिकेंट है, डेवलप टॉर्क वो टॉर्क है जो कोई भी मशीन जनरेट करने वाली है। अब जनरेटर में डेवलप टॉर्क और स्पीड अपोजिट होते हैं, मोटर में डेवलप टॉर्क और स्पीड पैरेलल होते हैं। यानी जनरेटर और मोटर की अगर स्पीड एक ही डायरेक्शन में लोगे तो जनरेटर का टॉर्क स्पीड से अपोजिट और मोटर का टॉर्क स्पीड के सेम डायरेक्शन में, जिससे क्या मतलब निकला कि जनरेटर और मोटर का टॉर्क अपोजिट बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? अगर स्पीड सेम डायरेक्शन में ले ली जाए तो जनरेटर का टॉर्क स्पीड को अपोज करेगा, मोटर का टॉर्क स्पीड को सपोर्ट करेगा, तो जनरेटर और मोटर के टॉर्क की डायरेक्शन हो गई अपोजिट। अब हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि टॉर्क फोर्स से निकलता है आई एल क्रॉस बी, तो अगर बी सेम रखो यानी पोल सेम रखो तो करंट रिवर्स करना पड़ेगा तभी टॉर्क रिवर्स हो सकता है। आई एल क्रॉस बी में अगर आई की जगह माइनस आई डाल दोगे फोर्स या टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। यानी अगर जनरेटर मोटर की, देखो अब इसको समराइज करें, जनरेटर मोटर की रोटेशन सेम डायरेक्शन में मानो तो दोनों के टॉर्क अपोजिट, और टॉर्क अपोजिट कब होंगे? जब करंट अपोजिट हो। ऐसे अब उल्टा आ जाओ, मान लो जनरेटर क्लॉकवाइज घूम रहा है और मोटर एंटी क्लॉकवाइज। मुझे सबसे पहले ये बताओ जनरेटर का डेवलप टॉर्क किस डायरेक्शन में है? अगर जनरेटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा? तो उसका टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि जनरेटर का टॉर्क हमेशा रोटेशन से अपोजिट होता है। अब मैंने बोला मोटर उल्टा घूम रही यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो मोटर का टॉर्क किस डायरेक्शन में? मोटर का टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि मोटर का टॉर्क स्पीड के पैरेलल होता है। यानी दोनों की स्पीड अगर उल्टी ले ली जाए, जैसे देखो अगर जनरेटर की स्पीड ऐसे ले लें तो जनरेटर का टॉर्क तो डाउनवर्ड्स आएगा, मोटर की स्पीड अगर उल्टी ले लो मोटर का टॉर्क स्पीड के पैरेलल आता है, तो यानी टी जी पैरेलल टू टीएम। तो जनरेटर मोटर में अगर रोटेशन सेम डायरेक्शन में मानते हो तो टॉर्क उल्टे आते हैं, और रोटेशन उल्टा मानते हो तो टॉर्क पैरेलल आते हैं। देखो रोटेशन अगर सेम डायरेक्शन में मानी होती ओमेगा जनरेटर, तो टॉर्क जनरेटर, ओमेगा मोटर, तो मोटर का टॉर्क हमेशा सेम डायरेक्शन में रोटेशन के, तो टॉर्क जनरेटर मोटर का उल्टा आ गया। तो रोटेशन सेम मानोगे तो टॉर्क अपोजिट, और टॉर्क सेम मानोगे तो रोटेशन अपोजिट। अब मैंने बताया टॉर्क तो करंट पे डिपेंडेंट है, टॉर्क सेम डायरेक्शन में मानने का मतलब सेम करंट, और टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में मानने का मतलब अपोजिट करंट। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क तो करंट पे डिपेंडेंट है ना, यानी कि अगर टॉर्क उल्टे हैं, जैसे यहां टॉर्क उल्टे हैं तो करंट उल्टे होंगे, और यहां टॉर्क सेम डायरेक्शन में तो करंट सेम होगा। यानी जनरेटर मोटर में दो में से एक चीज सेम मान सकते हो, या तो करंट या तो रोटेशन, क्योंकि रोटेशन सेम तो टॉर्क उल्टे, टॉर्क उल्टे तो करंट उल्टा, ऐसी रोटेशन उल्टा तो टॉर्क सेम तो करंट सेम। तो ये वाला नोट करके लिखना, इन केस ऑफ जनरेटर एंड मोटर, इन केस ऑफ जनरेटर एंड मोटर वी कैन आइदर एज्यूम करेंट्स टू बी इन द सेम डायरेक्शन, करेंट्स टू बी इन द सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और वी कैन एज्यूम करेंट्स टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एंड सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब देखो तुम्हारे ऊपर है, यानी जनरेटर मोटर दोनों का रोटेशन क्लॉकवाइज मानोगे तो ये डॉट क्रॉस एक्सचेंज करोगे, और अगर जनरेटर मोटर का रोटेशन उल्टा मानोगे तो ये डॉट क्रॉस सेम रखोगे। तो आसान ये है कि जनरेटर से उल्टा रोटेशन किसका मान लिया जाए? मोटर का।
बात समझ आई? अगर रोटेशन सेम मानते तो करंट अपोजिट करना पड़ता, यानी मोटर में यहां डॉट आता और यहां क्रॉस। लेकिन अब बात यह, बार बार डॉट क्रॉस लगाएगा कौन? इसीलिए बेहतर क्या है कि जनरेटर और मोटर का रोटेशन उल्टा मान लिया जाए। ये बात क्लियर है? अब देखो, तुम कोई भी किताब पढ़ोगे ना, उसमें तुम्हें यही दिखेगा कि जनरेटर और मोटर का रोटेशन उल्टा दिखा रखा है। अब देखते ही तुरंत समझ जाना कि इसने किया क्या है। इसने ये किया है कि करंट सेम रखने के लिए रोटेशन उल्टा कर दिया। रोटेशन सेम रखता तो करंट उल्टा करना पड़ता। करंट उल्टा करने के लिए दो अलग अलग डायग्राम बनते, एक में लेफ्ट में क्रॉस, राइट में डॉट, तो एक में लेफ्ट में डॉट और राइट में क्रॉस। वो दो डायग्राम की मेहनत मैंने बचा ली। अब मेरे को डॉट क्रॉस मालूम है। अब मैं क्या करता हूं, फील्ड फ्लक्स को भूल करके सिर्फ आर्मेचर फ्लक्स की बात कर लेता हूं। देखो, अब अगले डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूं, फील्ड फ्लक्स को इग्नोर करके सिर्फ आर्मेचर फ्लक्स की मैं बात करूंगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि एक बार ना एक ही फ्लक्स ले लो। एक बार जब एक ही फ्लक्स लोगे तो क्या होगा, बाद में दोनों का सम कर लेना। अगर एक ही बार में दोनों फ्लक्स लोगे तो थोड़ा सा विजुलाइज करने में दिक्कत आएगी। अब मैं सिर्फ किसका फ्लक्स लूंगा, अब मैं फ्लक्स लूंगा सिर्फ आर्मेचर का या रोटर का। तो ये नॉर्थ साउथ मत दिखाओ, एक काम करो, वरना मैग्नेटिक फील्ड शो करनी पड़ेगी। अब ये आर्मेचर था ना, और देखो ये याद रखना कि ब्रशेस कभी भी क्यू एक्सिस पे नहीं होते, ब्रशेस होते डी एक्सिस पे ही हैं। लेकिन दिखाते क्यों है क्यू एक्सिस पे, क्योंकि ब्रशेस जिस कॉइल को शॉर्ट करते हैं वो क्यू एक्सिस पे लाई करती है। तो कम्यूटेटर ना दिखाने के लिए ब्रशेस को क्यू एक्सिस पे दिखाते हैं, ठीक है? तो अगर देखो, मैंने एक चीज और पूछ सकता हूं कि ब्रशेस को क्यू एक्सिस पे क्यों रखा जाता है, तो तुम क्या बोलोगे, टू कलेक्ट मैक्सिमम ईएमएफ एंड टू अवॉइड स्पार्किंग। हम लोग ये बोल देते ना कि जो कॉइल शॉर्ट सर्किट हो रही है उसमें ईएमएफ जीरो रहे, इसीलिए ब्रशेस को कहां दिखा देते हैं, क्यू एक्सिस पे, जबकि प्रैक्टिकली ब्रशेस कहां होते हैं, डी एक्सिस पे। अब देखो, डॉट क्रॉस दिखाना था हमें, तो मैं डॉट क्रॉस दिखा देता हूं। इस तरफ तो क्रॉसेस आ रहे थे और इस तरफ हमारे डॉट्स आ रहे थे, ठीक है? ये हो गया। अब क्या करूंगा, ये डॉट और क्रॉस की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा। कैसे? देखो, जो क्रॉस होता है उसका करंट अंदर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज। जो डॉट है, करंट बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। यानी देखो, क्रॉस का कैसे बनाओगे, ऐसे क्लॉकवाइज बनाओगे, फिर ऐसे दो और ले लो अंदर, सबके साथ मत बनाओ, वैसे तो बनाना तो देखो सबके साथ ही चाहिए, बारी बारी से, लेकिन चलो मैंने दो एक साथ ले लिए, एक ये ले लो, ठीक है? ठीक है ना, ऐसे डॉट वालों की बना लो। डॉट वालों की कैसे बनाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले इसकी छोटी सी बना लेते हैं, फिर दो और जोड़ लेते हैं इसमें, फिर एक और जोड़ लो, ये बन गया ना, आया समझ? ये बन गई दोनों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड, एक क्रॉसेस की और एक डॉट की। अब हमें क्या दिख रहा है, ये जो बीचों बीच वाला एरिया है इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स जा रही है, तो इसीलिए मैं क्या कह देता हूं कि आर्मेचर का जो एमएमएफ आएगा, अभी हमने ये बोला था ना, ये वाली एक्सिस डी एक्सिस थी, आर्मेचर का जो एमएमएफ आएगा या जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है? किसके अलोंग आएगी, क्यू एक्सिस के, ठीक है? तो फील्ड का एमएमएफ आ रहा है डी एक्सिस पे, आर्मेचर का एमएमएफ आ रहा है क्यू एक्सिस पे। और हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं भाई कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एफ 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 ए आर साइन लैम्डा,
यहां लैम्डा कितना बन रहा है, लैम्डा 90 डिग्री बन रहा है ना, जिसका मतलब टॉर्क इज मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क तभी बनेगा जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे ओरिएंटेड रहें, जो कि यहां पे अपना केस बन रहा है। मेरी बात समझ आई, इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं कई बार क्या करता हूं ना, क्लास के अंदर एक क्वेश्चन पूछता हूं, वही चीज मैं तुम लोगों से भी पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ ये FF और FAR क्या हैं, ये फेजर्स हैं या वेक्टर्स हैं? सोचो थोड़ा सा, ये दोनों को फेजर बोलोगे या फिर वेक्टर बोलोगे? ठीक है, सोचा। अब देखो, इसका आंसर है कि ये दोनों वेक्टर हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग डीसी मशीन की बात कर रहे हैं, फेजर हमेशा एसी क्वांटिटीज, साइनसोइडल क्वांटिटीज के लिए बनते हैं, तो जब बात यहां डीसी की हो रही है, वी विल नेवर टॉक अबाउट फेजर, वी कैन ओनली टॉक अबाउट वेक्टर। अब वो अलग बात है कि भाई तुम वेक्टर को इलेक्ट्रिकल डिग्री में बना लो रेदर देन मैकेनिकल डिग्री, दैट इज अ सेपरेट केस, बट ये ध्यान रखना ये क्या है यहां पे, वेक्टर। मेरी बात इतनी क्लियर हुई? ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखो, मुझे क्या करना है, जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स हैं, एक फील्ड वाला और एक आर्मेचर वाला, इन दोनों को ऐड करके रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड मुझको ड्रॉ करनी है। अब देखो, स्टेटर की या फील्ड वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड है राइट में, राइट में, तो राइट में राइट अगर आ गया तो ऐड हो जाएगा, राइट और लेफ्ट मिलके सब्ट्रैक्ट, राइट और लेफ्ट सब्ट्रैक्ट, राइट और राइट ऐड, यानी दो जगह एडिशन होगा और दो जगह सब्ट्रैक्शन। जहां एडिशन होगा वहां फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जहां सब्ट्रैक्शन होगा वहां फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो देखो, रिजल्टिंग बना रहा हूं मैं, रिजल्टेंट हम बना रहे हैं, ये कैसे बनेगा? तो अब की बार मैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड लेने वाला हूं, फील्ड वाइंडिंग की भी और आर्मेचर वाइंडिंग की भी। ये फिर से हमने स्टेटर ले लिया, अब बीच में क्या करूंगा, बीच में रोटर बनाऊंगा, ये रोटर आ गया। अब इसमें फिर से मैं कॉइल्स बना लेता हूं, ठीक है, यहां ब्रशेज हमने दिखा दिए। अब देखो, मैंने क्या बोला, जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड थी या जो फील्ड वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड थी वो तो राइट में थी, तो जो भी आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड राइट में आएगी वो ऐड हो जाएगी और जो लेफ्ट में आएगी वो सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे तो एडिशन होगा, यहां पे सब्ट्रैक्शन, फिर यहां एडिशन और फिर यहां सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं यहां दिखा भी देता हूं जनरेटर और मोटर का रोटेशन, क्योंकि आगे काम आएगा। यानी देखो, ऊपर में तो ऐड हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चली ऐसे, लेकिन ऐड होने की वजह से क्या हुआ, ये ऊपर कंसंट्रेट हो जाएंगी लाइन, और इधर नीचे में कंसंट्रेट होनी चाहिए, तो ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर ये भी लाइन जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फिर इधर नीचे में क्लोज आ गई लाइन है, फिर ये लाइन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने का तो मतलब यही होता है ना, क्लोज आ जाना, फिर ऐसे ही इस टाइप से चलेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर ऊपर में क्राउडेड हो जाएंगी, इधर नीचे में भी, तो इधर क्या बोलोगे, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेस, इधर फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीजेस, इधर फ्लक्स डेंसिटी
इंक्रीजेस और इधर फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीजेस, ये अपना नॉर्थ पोल और ये अपना साउथ पोल, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ये वेक्टर डायग्राम जो बना रहे थे अगर यही दोबारा बनाया जाए तो हम ये कहेंगे तो फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ हुआ या मैग्नेटिक फील्ड हुई राइट में, आर्मेचर वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड और दोनों की जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके लिए वेक्टर एडिशन कर लोगे तो पैरेललोग्राम लॉ से दोनों को ऐड अगर कर लिया जाए तो ये आ जाता है रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रिजल्टिंग एमएमएफ को ये भी कह सकते हो एयर गैप एमएमएफ, तो एक बार ये वाला भी पॉइंट लिख लो, रिजल्टिंग एमएमएफ, रिजल्टिंग एमएमएफ इज कॉल्ड एज एयर गैप एमएमएफ, रिजल्टिंग एमएमएफ इज कॉल्ड एज एयर गैप एमएमएफ। अब क्या होगा कि ये जो रिजल्टिंग एमएमएफ है, अब जो भी इंडक्शन होगा, जो भी ईएमएफ बनेगा वो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से बनेगा, सिर्फ पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड से नहीं बनेगा क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड बदल गई। अब मैंने क्या बोला था कि कौन सी कॉइल में ईएमएफ जीरो होता है जिसकी वेलोसिटी पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ये रही ना, इसके पैरेलल अगर किसी की वेलोसिटी आ जाए तो उसका ईएमएफ हो जाएगा जीरो। तो देखो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये परपेंडिकुलर है। अब यहां रखी जो कॉइल होगी उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और यहां वाली कॉइल की वेलोसिटी एंटी पैरेलल होगी और दोनों में ही ईएमएफ हो जाएगा जीरो। तो इस एक्सिस को कह देते हैं एम एन ए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और जो पुरानी एक्सिस थी वो जी एन ए। मैंने बताया था ना न्यूट्रल एक्सिस कौन सी होती है, न्यूट्रल एक्सिस वो होती है जिस पे रखी हुई कॉइल का ईएमएफ रहे जीरो, और वो जीरो कब रहेगा जब उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आए, इसीलिए वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी होनी चाहिए। और वो हमें कौन सी कॉइल मिल रही है, एमएनए वाली, और पहले कौन सी कॉइल थी, जीएनए वाली। तो एमएनए का फुल फॉर्म लिखो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, तो इसमें लिखना इट इज एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू, इट इज एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट एमएमएफ, बिकॉज एनी कॉइल लाइंग ऑन दिस एक्सिस, एनी कॉइल लाइंग ऑन दिस एक्सिस हैज जीरो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, हैज जीरो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, ठीक है। उस कॉइल में कोई ईएमएफ बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी पैरेलल आ गई है मैग्नेटिक फील्ड के। मेरी बात यहां तक समझ आई, ये जी एन एम एन ए क्लियर हुआ। अच्छा ऐसे ही एक पॉइंट क्वेश्चन बना के लिख लो, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन जी एन ए एंड एम एन ए, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन जी एन ए एंड एम एन ए, तो इसमें लिखना जी एन ए इज एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू फील्ड एम एम एफ, परपेंडिकुलर टू फील्ड एम एम एफ, एम एन ए इज एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट एम एम एफ, परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट एम एम एफ। ये जी एन एम एन ए का फंडा क्लियर हुआ ना, इनके बीच के एंगल को लिख देते हैं थीटा, थीटा एंगल इनके बीच में बन जाएगा, है ना। अभी आगे इसका सिग्निफिकेंस तुम्हें समझ आएगा, जी एन ए और एम एन ए की शिफ्टिंग से क्या असर हो रहा है, ठीक है। इतना पॉइंट सब लोगों को क्लियर है। अब आता हूं मैं ये इंक्रीजेस डिक्रीजेस वाले फंडे पे। मैंने दिखाया तुम्हें कि दो जगह तो बी बढ़ रहा है और दो जगह बी घट रहा है, यानी नॉर्थ पोल के एक हिस्से में बढ़ता है एक हिस्से में घटता है, साउथ पोल के एक हिस्से में घटता है और दूसरे हिस्से में बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि पोल के जो दो किनारे हैं, दो टिप हैं, एक टिप पे फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है और एक टिप पे फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है। तो एक पॉइंट ये लिखो, आर्मेचर रिएक्शन स्ट्रेंथेंस द मैग्नेटिक फील्ड एट वन पोल टिप, स्ट्रेंथेंस द मैग्नेटिक फील्ड एट वन पोल टिप एंड वीकेंस, एंड वीकेंस डब्ल्यू ई ए के ई एन एस,
weakens the magnetic field at the other pole tip, at the other pole tip. ठीक है, एक टिप पे बढ़ाता है और एक टिप पे घटाता है. अब मान लो 10 बढ़ाया और 10 ही घटा दिया, तो क्या होगा रिजल्टेंट? सेम. तो अगला पॉइंट यही, इफ स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग इफेक्ट इज सेम, इफ स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग इफेक्ट इज सेम, रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट. लेकिन होता क्या है, बढ़ाने में ना दिक्कत है. अगर फ्लक्स डेंसिटी कभी भी किसी मटेरियल की बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मटेरियल सैचुरेट हो जाता है. अगर मटेरियल सैचुरेट हो गया तो क्या होगा, वो फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ने नहीं देगा. अगर फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ पाई, इसका मतलब घट तो गई, घट तो 10 गई, लेकिन जब तुम 10 बढ़ाने गए तो सैचुरेशन के कारण 10 नहीं बढ़ पाई, सपोज 5 ही बढ़ पाई. अब इंक्रीज ज्यादा है या डिक्रीज, तो डिक्रीज डोमिनेट कर गया तो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी कम आएगी. और यही चीज मैंने तुम्हें बोली भी थी कि आर्मेचर रिएक्शन रिजल्टेंट फ्लक्स को कम करता है. तो अगला पॉइंट ये लिखना, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इज ऑलवेज लेस देन वीकनिंग इफेक्ट, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इज ऑलवेज लेस देन वीकनिंग इफेक्ट ड्यू टू मैग्नेटिक सैचुरेशन, ड्यू टू मैग्नेटिक सैचुरेशन, सो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी इज रिड्यूस्ड, इज रिड्यूस्ड, एंड हेंस आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूसेस, एंड हेंस आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज कॉल्ड एज डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एज डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट. अब ये डी मैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है? देखो, मैग्नेटाइज करने का मतलब है किसी भी मटेरियल के सभी डाइपोल्स को अलाइन कर देना. अगर किसी मटेरियल के सारे डाइपोल अलाइन हो जाते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हाई हो जाती है. तो डी मैग्नेटाइज जस्ट उल्टा है. डी मैग्नेटाइज में अगर डाइपोल्स अलाइन नहीं रह गए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी. तो डी मैग्नेटाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी मटेरियल, किसी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कम कर देना, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी को या उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देना, इसे कहते हैं डी मैग्नेटाइज. तो बढ़ाने को क्या कहोगे, मैग्नेटाइज. और अगर परपेंडिकुलर आता है, जैसे यहां परपेंडिकुलर आ रहा है ना, तो इसे कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइज. परपेंडिकुलर को क्रॉस, कम करने को डी मैग्नेटाइज और बढ़ाने को मैग्नेटाइज. तो यहां डी मैग्नेटाइजेशन इस ग्राफ से नहीं दिख रहा, इस वेक्टर डायग्राम से नहीं दिख रहा, यहां से क्या दिख रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग. लेकिन डी मैग्नेटाइजिंग क्यों हुआ, क्योंकि जितना यहां बढ़ रहा है उससे ज्यादा नीचे डिक्रीज हो रहा है. बढ़ क्यों रहा है कम, बढ़ इसलिए कम रहा है क्योंकि सैचुरेशन उसे उतना इंक्रीज होने ही नहीं देता. बात क्लियर हुई? तो आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइज करता है. आगे चलते हैं. अब देखो, पोल की दो टिप हैं, एक पे इंक्रीज एक पे डिक्रीज, एक पे इंक्रीज एक पे डिक्रीज. अब ये टिप पहचाने कैसे, इसको नाम क्या दें? तो देखो, कॉइल जिस टिप से एंटर करती है उसको बोल देते हैं लीडिंग पोल टिप, और जहां से लीव करती है उसे कहते हैं ट्रेलिंग पोल टिप. अब देखो, जैसे ना इस कॉइल पे ध्यान देना, सपोज ए कॉइल पे मैं टिप को नाम दे रहा हूं N1, N2, S1, S2. अब जनरेटर के हिसाब से सोचो, जनरेटर के हिसाब से सोचोगे तो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो क्लॉकवाइज घूमती है तो S1 में एंटर करेगी, S1 से लीव करेगी, S1 में एंटर करेगी ना, S1 में एंटर करेगी, तो इसे बोलोगे लीडिंग पोल टिप, जहां से एंटर करे. ऐसे S1 में घुसी, नीचे S2 से बाहर निकल जाएगी. ये जब घूमेगा क्लॉकवाइज तो S1 से घुस के S2 से निकलेगा, S2 से निकलेगा तो S2 को क्या बोलोगे, ट्रेलिंग. ठीक है, S2 से निकल के किस में घुसेगी, N2 में. N2 में अगर घुसेगी तो इसको क्या बोलोगे, लीडिंग. N2 में घुस के N1 से बाहर आ जाएगी, N1 से बाहर आ गई तो N1 हो गया ट्रेलिंग. तो जिस टिप में एंटर करे वो लीडिंग, जिस टिप से वो लीव करे वो ट्रेलिंग. ठीक है, लैगिंग मत बोल देना. अब आ जाओ मोटर पे भाई,
मोटर की तो रोटेशन उल्टी है, मोटर की रोटेशन लेफ्ट में है, तो मोटर में किस में घुसेगी, N1 में, N1 में घुसी तो N1 क्या हो गया, लीडिंग। N1 में घुस के निकली किससे, N2 से, N2 से निकली तो N2 हो गया ट्रेलिंग। N2 से निकल के किस में घुसी, S2, S2 हो गया लीडिंग। S2 से घुस के किससे निकली, S1, S1 हो गया ट्रेलिंग। यानी ये लीडिंग और ट्रेलिंग पोल टिप जो है ये रोटेशन पे डिपेंड करेंगे, जिस टिप में एंट्री वो लीडिंग, जिस टिप से लीविंग वो ट्रेलिंग। अब बात है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी कहां है, N1 में बढ़ी है और S1 में, तो N1 में बोल दो इंक्रीज हुई है या स्ट्रेंथनिंग, सॉरी N1 और S2 में हुई है ना, तो N1 में लिख दो स्ट्रेंथनिंग, और S2 में हुई है तो यहां पे भी स्ट्रेंथनिंग। फिर N2 और S1 में डिक्रीज हुआ है तो वीकनिंग, यहां पे भी वीकनिंग, ठीक है ना, ये बात मेरी क्लियर हुई। अब इसको देख के क्या बता सकते हो, जनरेटर में ट्रेलिंग पे स्ट्रेंथनिंग है, लीडिंग पे वीकनिंग, मोटर में ट्रेलिंग पे वीकनिंग और लीडिंग पे स्ट्रेंथनिंग, तो इसमें यही लिखो, आर्मेचर रिएक्शन हैज स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट एट ट्रेलिंग पोल टिप इन अ जनरेटर, ट्रेलिंग पोल टिप इन अ जनरेटर एंड लीडिंग पोल टिप इन अ मोटर, एंड लीडिंग पोल टिप इन अ मोटर। अगला पॉइंट, आर्मेचर रिएक्शन हैज वीकनिंग इफेक्ट एट लीडिंग पोल टिप इन अ जनरेटर एंड ट्रेलिंग पोल टिप इन अ मोटर, एंड ट्रेलिंग पोल टिप इन अ मोटर, ठीक है, ये बात क्लियर हुई बढ़िया से। इसको रट के मत जाना अब, ठीक है, ऐसा इसलिए रटोगे ना तो इतना गारंटी दे रहा हूं कि कल परसों तक ही देख लेना, अगर इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि ये ना लीडिंग ट्रेलिंग यार रटेगा कौन, बात ये भी तो समझो। इसीलिए क्या करना, कभी अगर ऐसा स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा एक डायग्राम सा बना लेना, एग्जैक्ट मत बनाना ना, डायग्राम ऐसी बना लेना, ऐसा करना क्या करोगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बना ली नॉर्थ से साउथ राइट, ठीक है, और इधर क्रॉस इधर डॉट लगा के मैग्नेटिक फील्ड बनाई, बढ़ती घटती तुम्हें अपने आप दिख जाएगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से लीडिंग ट्रेलिंग जज कर लेना, क्योंकि पहली बात तो डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और जिस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उसे रट करके जाने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बट ये क्लियर है मैंने डिराइव कैसे किया है, सबसे पहले मैंने नॉर्थ साउथ की मैग्नेटिक फील्ड बनाई, फिर आर्मेचर में डॉट क्रॉस लगाए उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाई, फिर एड और सब्ट्रैक्ट करके मिला स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग, और वहां से मैंने ये रिजल्ट डिराइव कर लिया, ठीक है। अब ये बात क्लियर हुई ना, ये GNA MNA भी क्लियर है, ये लीडिंग और ट्रेलिंग पोल टिप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो लीडिंग ट्रेलिंग किस पे डिपेंड कर गया, जनरेटर और मोटर पे। जनरेटर मोटर का रोटेशन उल्टा क्यों दिखाया, उनका करंट सेम डायरेक्शन में मानेंगे तो टॉर्क सेम तो रोटेशन अपोजिट ही दिखाना पड़ेगा। ये GNA MNA का भी कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर है, GNA फील्ड MMF के परपेंडिकुलर और MNA रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर। अब एक पॉइंट और लिखना, At no load, armature current and armature MMF is zero. So, resultant MMF is field MMF. अगर FAR होता ही नहीं या जीरो होता तो जीरो प्लस FF ही आता ना। Resultant MMF is field MMF. Hence, GNA and MNA coincide. भाई अगर FF के परपेंडिकुलर है GNA, FR के परपेंडिकुलर है MNA, FF और FR अगर एक ही हो गए तो GNA MNA भी एक हो जाएंगी। यानी ये डिफरेंट कब होंगी, जब आर्मेचर रिएक्शन आएगा। आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या, आर्मेचर करंट आएगा। आर्मेचर करंट कब आएगा, जब मशीन पे लोड
कनेक्ट किया जाएगा। तो इसमें अगला पॉइंट ये लिखो, अंडर लोडेड कंडीशन आर्मेचर करंट फ्लोज इन द मशीन, अंडर लोडेड कंडीशन आर्मेचर करंट फ्लोज इन द मशीन ड्यू टू विच क्या होगा उससे, आर्मेचर करंट फ्लो हो जाने से MNA shifts from GNA। अच्छा एक और बात, MNA किस तरफ शिफ्ट हुई है GNA से, राइट में किसका रोटेशन था, जनरेटर का। तो ये वाला पॉइंट भी लिखो, MNA shifts from GNA इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोटर रोटेशन, क्योंकि मोटर तो लेफ्ट जा रही है ना, मोटर अगर लेफ्ट जा रही है, एमएनए किस तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट, तो मोटर से उल्टा शिफ्ट हुआ है या जनरेटर के पैरेलल। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। अब अच्छा मुझे बताओ, मैंने शुरू में क्या बताया था, आर्मेचर रिएक्शन के क्या इफेक्ट होते हैं। एक तो मैंने डीमैग्नेटाइजिंग बताया था कि फ्लक्स कम हो जाता है, वो मैंने अभी भी बताया, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट वीकनिंग से कम रह जाता है तो नेट क्या होता है, रिडक्शन। दूसरा मैंने बताया था डिस्टॉर्शन अभी देखना बाकी है, अभी तक ये नहीं देखा कि शेप कैसे खराब हुई। ठीक है, तो अगला लिखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब देखो क्या होता है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है स्टेटर की, रोटर की, यानी कि फील्ड की, आर्मेचर की, तो क्या होता है ना, ये सर्कुलर डायग्राम इतना क्लियर पिक्चर बताता नहीं है। तो जैसे हमने वाइंडिंग में भी किया था, हमने क्या किया था वाइंडिंग में, कि सर्कुलर वाइंडिंग को खोल के लीनियर कर लिया था, सेम वे में यहां करना है कि मशीन को सर्कुलर ना ड्रॉ करके मशीन को लीनियर डायग्राम में ले आओ। अब देखो हमने कितने पोल माने थे, हमने दो पोल माने थे, एक तो हमने लिया था नॉर्थ पोल, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, और एक हमने लिया था भाई साउथ पोल। अब ना इनके बीच में से एक लाइन बिल्कुल निकाल देता हूं, अभी समझाता हूं इसका भी मीनिंग। ठीक है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझना, काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी यहां से। ठीक है, एक लाइन पोल के बिल्कुल बीचों बीच से निकाल लो। अब पोल की जो एक्सिस होती है या पोल के बीच में से जाने वाली लाइन, उसको क्या बोलते हो, डी एक्सिस बोलते हो ना, और पोल्स के बीच में से जाने वाली लाइन को क्या बोलते हो, उसको बोलते हो क्यू एक्सिस। ठीक है, दोनों के लेफ्ट और राइट भी एक एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये सारी लाइनें ना इक्वी डिस्टेंट बनाना, अगर स्केल है तो स्केल से बना लेना, सारी लाइनें बराबर डिस्टेंस पे ही ड्रॉ होंगी। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन हम बनाए ना, एक्चुअल में ये फर्स्ट और लास्ट लाइन एकदम सेम है, यानी ये एक ही लाइन है, इसमें ऐसा मत सोचो, इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं, ये अलग अलग लाइन नहीं है, मशीन सर्कुलर है ना, मशीन सर्कुलर है माने जहां से शुरू होगी वहीं से खत्म होगी, तो ये लाइन और ये लाइन सेम है। ये कौन सी एक्सिस है, पोल्स के बीच में जो आई वो क्यू, पोल्स के अलोंग जो आई वो डी, पोल्स के बीच में क्यू, पोल्स के अलोंग डी, पोल्स के बीच में क्यू। ठीक है, तो ये क्यू और डी एक्सिस हो गए। अब मैं दो लाइंस और ड्रॉ कर लेता हूं, कैसी लाइंस, पोल्स के जो एजेस है, एक बार ना इसके एजेस थोड़े से चौड़े कर लेते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि ना ज्यादा छोटे रह गए एजेस, इतना कम एरिया कवर नहीं करते हैं पोल्स, पोल्स हमेशा ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पोल्स हैं। अब क्या होता है, हम ये जानते हैं कि हम ब्रशेस को कहां दिखाते हैं, हम ब्रशेस को दिखाते हैं क्यू एक्सिस पे,
एक्चुअल में ब्रश होता तो पोल के नीचे ही है, लेकिन फिर भी दिखाया कहां जाता है, क्यू एक्सिस पे। अब इसके नीचे क्या दिखाना पड़ता है, इसके नीचे दिखाते हैं आर्मेचर। अभी आर्मेचर वाइंडिंग हमने दिखाई थी ना डॉट क्रॉस वाली, वही वाइंडिंग हमें दिखानी है। तो हमने क्या दिखाया था भाई, नॉर्थ के नीचे क्रॉसेस दिखाए थे, याद करो, चाहे तो सर्कुलर फिगर चेक कर लो जो बनाया था, नॉर्थ के नीचे क्रॉसेस थे, और फिर साउथ के नीचे डॉट्स थे। और चाहो तो ना इसके अराउंड सर्कल भी दिखा सकते हो इस तरह से कि कंडक्टर्स हैं ये। अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये डॉट क्रॉस क्या है, तो ये कंडक्टर्स हैं तुम्हारे, बीच वाले में कोई ईएमएफ नहीं था। फिर सर्कल आ गए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, एक तो स्टेटर का यानी कि फील्ड वाइंडिंग का, एक आर्मेचर वाइंडिंग का, और फिर रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ, सॉरी फील्ड वाइंडिंग की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्रॉ करना चाहता हूं, थोड़ा सा और आगे तक ले लो। अब अभी देखो हमने क्या दिखाया था कि फील्ड वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड राइट में आती है, ऐसे आती है ना, ये डी एक्सिस थी। अगर मैं कहूं इसका कंपोनेंट बता दो क्यू एक्सिस पे, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकलता है, अगर इस तरफ निकालोगे तो क्या कहोगे, बी एफ कॉस 90 दैट इज जीरो। यानी कि फील्ड पोल्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यू एक्सिस पे क्या रहता है, जीरो। और बनाना कैसा है हमें, फ्लैट टॉप्ड। देखो ये जो पोल्स के एजेस है ना, इनको भी नीचे ले आता हूं, फ्लैट टॉप्ड बनाना है और क्यू एक्सिस पे जीरो रखना है। बात क्लियर हुई, ये क्लियर है ना, क्यू एक्सिस पे जीरो क्यों है। तो देखो कैसे बनता है, एकदम परफेक्ट ट्रेपेजॉइड नहीं बनता, पोल के नीचे तो देखो कांस्टेंट रहेगा, फिर क्यू एक्सिस पे चला गया जीरो, साउथ के नीचे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होती है तो डाउनवर्ड्स दिखा दी, फिर कांस्टेंट, फिर जीरो। इस टाइप से फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी आ गई। फ्लैट टॉप फ्लक्स डेंसिटी कौन से पोल से आती है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्क शेप्ड पोल शू। और आर्क शेप तो देख ही सकते हो ना, मैंने एयर गैप कांस्टेंट रखा है, एयर गैप कांस्टेंट है माने कैसी फ्लक्स डेंसिटी आएगी, फ्लैट टॉप। बात क्लियर हुई, फ्लैट टॉप बन गई। अब इसके बाद अगला बनाना होता है हमें ग्राफ, अगला ग्राफ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आर्मेचर एमएमएफ। अब देखो ये वाइंडिंग एमएमएफ ड्रॉ करना आना बहुत जरूरी है। अब एमएमएफ ड्रॉ कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज समझो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो ऐसे है क्रॉस, ठीक है, ये नॉर्थ के नीचे जो क्रॉस दिखाया है इसके एग्जांपल से समझा रहा हूं। क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, क्लॉकवाइज, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ना क्लॉकवाइज आ जाती है, इस टाइप से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें अगर एम्पियर्स लॉ लगाया जाए तो क्या कहते हो, एच डॉट डी एल इक्वल टू करेंट एनक्लोज, और इसी को कह देते हो एमएमएफ।
तो MMF जो आता है वो करंट एनक्लोज के बराबर आता है। अब ऐसी सोचो, अगर सेंटर से लोगे, अब देखो जो आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे आई थी, अब अगर मैं तुमसे ये कहूं आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट डी एक्सिस पे बताओ, क्यू एक्सिस वाली फील्ड का कंपोनेंट डी एक्सिस पे, फिर से कॉस थीटा वाला मेथड लगाओगे, बी कॉस 90 जीरो, यानी आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड या आर्मेचर का एमएमएफ डी एक्सिस पे जीरो आएगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज जीरो एट डी एक्सिस, इट इज मैक्सिमम एट क्यू एक्सिस। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख लो, फील्ड फ्लक्स डेंसिटी इज मैक्सिमम एट डी एक्सिस एंड जीरो एट क्यू एक्सिस, फील्ड फ्लक्स डेंसिटी इज मैक्सिमम एट डी एक्सिस एंड जीरो एट क्यू एक्सिस। अगला, आर्मेचर एमएमएफ इज मैक्सिमम एट क्यू एक्सिस एंड जीरो एट डी एक्सिस, इज मैक्सिमम एट क्यू एक्सिस एंड जीरो एट डी एक्सिस, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ आई। अब देखो क्या होगा, यहां जीरो है, इसके अगर राइट में जाते हो, डी एक्सिस पे जीरो लेना है ना, डी एक्सिस पे जीरो लेना है। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस की बनाओगे, इधर से डाउनवर्ड इधर से अपवर्ड, तो अगर इधर डाउनवर्ड को पॉजिटिव बोल रहे हो तो अपवर्ड को क्या बोलोगे, नेगेटिव। तो एक पॉइंट ये भी लिखना, देखो इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूं, दो जगह जी आ रहा है ना, तो हम क्या कह देते हैं, टू एच जी इक्वल टू करेंट एनक्लोज, तो एच जी इज करेंट एनक्लोज बाय टू। अब बस मैं क्या बोल रहा हूं, अगर H नीचे की तरफ है और उसे पॉजिटिव मान रहे हो तो ऊपर वाले को क्या मानोगे, नेगेटिव। यानी MMF दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, उसका सिंपल सा रीजन समझो, जब बोथ साइड पे मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल किसकी टर्म्स में दिखाओगे, MMF की टर्म में। तो एक बार ये वाला पॉइंट भी लिख लो, द मैग्नेटिक फील्ड और MMF, द मैग्नेटिक फील्ड और MMF ऑन टू साइड्स ऑफ डी एक्सिस, ऑन टू साइड्स ऑफ डी एक्सिस विल हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, विल हैव ऑपोजिट डायरेक्शन और ऑपोजिट साइन, और ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो इस पे तो जीरो दिखाओगे, अगर इधर डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो तो अपवर्ड को क्या मानोगे, नेगेटिव। तो देखो कैसे आता है, ठीक है, जीरो है डी एक्सिस पे, क्यू पे मैक्सिमम। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बना लो जरा एक बार, डॉट की कैसे आती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने डाउनवर्ड्स को तो पॉजिटिव ही माना है ना, और अपवर्ड्स को नेगेटिव, इस टाइप से। तो ये आर्मेचर का एमएमएफ है और इसकी शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, आर्मेचर एमएमएफ, आर्मेचर एमएमएफ इज ट्रायंगुलर इन शेप, इज ट्रायंगुलर इन शेप विद मैक्सिमम वैल्यू एट क्यू एक्सिस, विद मैक्सिमम वैल्यू एट क्यू एक्सिस एंड जीरो वैल्यू एट डी एक्सिस, एंड जीरो वैल्यू एट डी एक्सिस, ठीक है। ये एफ ए आर बन गया, लेकिन मुझे फ्लक्स डेंसिटी में फ्लक्स डेंसिटी ही ऐड करनी है, एमएमएफ ऐड नहीं करना। अच्छा एक चीज और, ये इंक्रीजिंग कैसे आया, ये कैसे मालूम चल गया भाई मुझे, ये ऐसे मालूम चल गया, जब ये लूप बड़ी करते जाओगे ना, जितनी बड़ी करते जाओगे उतना ही ज्यादा करंट एनक्लोज होगा, और अभी मैंने प्रूव किया एमएमएफ कितना है, करंट एनक्लोज बाय टू, ठीक है। तो जितना ज्यादा डी एक्सिस से दूर जाओगे करंट एनक्लोज बढ़ेगा, करंट एनक्लोज बढ़ेगा तो एमएमएफ भी बढ़ेगा, क्योंकि एमएमएफ इज नथिंग बट करंट एनक्लोज्ड। बात क्लियर हुई, ठीक है, क्लियर है एकदम। आगे चलते हैं, मैंने अभी क्या बोला, मुझे बीएफ के साथ बीएआर चाहिए, एफएआर से मेरा काम नहीं चलेगा। अब हम एक चीज जानते हैं कि फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है, एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, ठीक है। रिलक्टेंस कैसे लिखोगे, एयर गैप बाय म्यू ए, और फिर बी कैसे आ जाएगा, फ्लक्स बाय एरिया, ऐसे ही आ जाएगा ना। अब इसका मतलब क्या है, नहीं तो देखो यहां से भी सोच सकते हो, एच कैसे आएगा,
एम एम एफ बाई जी, तो बी कैसे आएगा, म्यू नॉट एफ बाई जी। तो क्या होता है, जहां एयर गैप ज्यादा होगा बी अपने आप कम हो जाएगा, और जहां एयर गैप कम होगा वहां बी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब देखो क्या होता है वेव फॉर्म के अंदर, कि जैसे जैसे एफ बढ़ता है ना बी भी बढ़ता जाता है, बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही पोल खत्म हुआ अचानक से एयर गैप बढ़ गया। पोल के नीचे तो छोटा छोटा एयर गैप था, अगर एयर गैप को कांस्टेंट कर दो इसमें, देखो इस इक्वेशन में अगर एयर गैप कांस्टेंट है तो बी और एफ का ग्राफ सिमिलर आएगा, यानी एफ लीनियर है तो बी भी कैसा है, लीनियर। लेकिन जब जी अचानक से बढ़ गया तो बी कम हो जाता है, फिर से जी कांस्टेंट हो गया तो एफ जैसा ही ग्राफ फॉलो हो जाएगा, फिर से जी अचानक से बढ़ गया फिर से ये कम हो गया, ठीक है, इधर भी ये कम हो गया। तो इसको हम लोग बोल देते हैं बी ए आर, और इसकी शेप कहलाती है सैडल शेप। सैडल क्या होता है, जो घोड़े के ऊपर सीट रखी होती है ना जिसपे बैठ करके सवारी करते हो, उसी को सैडल बोलते हैं, उसकी शेप ऐसी तो होती है, तो इसीलिए इसको सैडल शेप बोल रहे हो, ठीक है। अब ये बात क्लियर हुई सैडल शेप क्यों हुआ, एक पॉइंट यही लिखो, अंडर ईच पोल एयर गैप इज लेस, अंडर ईच पोल एयर गैप इज लेस, सो द वेवफॉर्म ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, वेवफॉर्म ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज सिमिलर टू एम एम एफ, इज सिमिलर टू एम एम एफ, बट जस्ट आफ्टर द पोल्स एयर गैप सडनली इंक्रीजेस सो बी रिड्यूसेस which makes the shape of B as saddle shaped। अब मुझे क्या करना है, ये आर्मेचर रिएक्शन और फील्ड फ्लक्स इन्हें ऐड करना है, तो मैं इसी ग्राफ पे बना रहा हूं, तुम अलग भी बना सकते हो। देखो जीरो प्लस नेगेटिव आएगा, ठीक है, फिर यहां ये जीरो आ गया, यानी यहां तो जीरो प्लस समथिंग इज द सेम वैल्यू, तो नेगेटिव से शुरू होगा, यहां पे सेम आ गया, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बढ़ेगा, बढ़ रहा है, अब ये वैल्यू कम हो गई, दोनों कम हो गए तो ये वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी, जीरो प्लस पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे और दिखा देता हूं, जीरो प्लस पॉजिटिव आ रहा है, देखो जीरो प्लस पॉजिटिव, ये रेड और ब्लू वाला कर्व ऐड कर रहा हूं, जीरो प्लस पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां ये जीरो आ गया, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया तो जीरो हो गया ना, अब ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव में बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव में बढ़ने लगेगा, बट इससे कम रहेगा, नेगेटिव प्लस जीरो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव बढ़ जाएगा, ठीक है, दोनों कम हो गए तो ये कम होने लगेगा, इस तरह की बन जाएगी। तो ये किसकी आ गई, ये रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी आ गई। अब देखो ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी है इसकी शेप खराब हो गई, ये फ्लैट टॉप्ड नहीं है, और दूसरी बात देखो क्या होती है ना, जितना ऐड करके इंक्रीमेंट आना चाहिए उतना आता नहीं है, सैचुरेशन की वजह से इसका कुछ पोर्शन कट जाता है, इतनी वैल्यू नहीं मिल पाती। तो लिख भी लेना, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन इन फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू सैचुरेशन। अब देखो मैंने एक चीज समझाई थी, अगर बी का ग्राफ कभी भी बन जाए तो वैसा ही सेम ग्राफ ई का आता है, और अभी मैंने तुम्हें एक चीज और बताई, जहां ईएमएफ जीरो हो जाए उसे क्या बोलते हो, न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो अगर आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता तो बी तो बस ये वाला होता ना फील्ड का, तो जहां बी जीरो वहां ईएमएफ जीरो, तो ये हो गई जीएनए, लेकिन रिजल्टेंट का जीरो यहां आ रहा है, तो जहां रिजल्टेंट जीरो वहां ईएमएफ जीरो, तो ये हो गई एमएनए।
तो दिख रहा है ना जीएनए और एमएनए अलग अलग हो गई, किस वजह से? आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। दोबारे समझो, मैंने बोला था जो ग्राफ बी का होता है वही सेम ग्राफ ई का होता है, लेकिन बी का ग्राफ थीटा के अगेंस्ट होता है और ई का ग्राफ ओमेगा टी के अगेंस्ट होता है। तो जहां बी जीरो दिखाऊंगा वहीं पे ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो, और जहां ईएमएफ जीरो होता है उसी को कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो यहां ईएमएफ जीरो होता अगर आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता, तो जीएनए और रिजल्टेंट का जो जीरो है वो यहां पे है, तो यहां ईएमएफ जीरो आएगा, दैट इज एमएनए। ठीक है, तो एमएनए हमारी शिफ्ट हो गई जीएनए से, और जो मैंने एंगल दिखाया था इनके बीच में, मैंने तुम्हें एंगल थीटा दिखाया था ना, ये एंगल हो गया थीटा जो मैंने सर्कुलर वाले डायग्राम में दिखाया था, देखो यही तो बताया था, ये रिजल्टेंट आ जाता है, तो ये एमएनए और ये थी जीएनए, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो ये ग्राफिकली देखने से अब समझ आ रहा है कि डिस्टॉर्शन आ गया है वेवफॉर्म के अंदर, और वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए वरना ईएमएफ का ग्राफ भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूसेस डिस्टॉर्शन इन द फ्लक्स डेंसिटी, डिस्टॉर्शन इन द फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे सीधा भी ले जा सकते हो, बट प्रैक्टिकली एकदम सीधा आ पाना ना इम्पॉसिबल रहता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके दिखाया, वरना चाहो तो इसको थोड़ा सा स्मूदन आउट भी कर सकते हो, इतना भी एकदम ही इसको अगर दोनों ग्राफ ऐड करोगे ना थोड़ा सा स्मूद ही जाएगा इस तरह से, ऐसे यहां पे थोड़ा सा स्मूद कर लेना, यहां तो डिक्रीज होगा, यहां से चाहे तो यहां से थोड़ा सा इसको स्मूद ले जाना इस तरह से। ठीक है, तो ये वेवफॉर्म को बिगाड़ देता है, वेवफॉर्म फ्लैट टॉप्ड नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो हमने आर्मेचर रिएक्शन के अंदर क्या सीखा, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, आर्मेचर का फ्लक्स रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि फील्ड फ्लक्स एक्शन बना तो उसका रिएक्शन कौन बना, आर्मेचर फ्लक्स। क्या क्या एक तरह से इसके ड्रॉबैक है, पहली बात तो नेट रिडक्शन देता है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट कम होता है ड्यू टू सैचुरेशन, वीकनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। अगली बात क्या समझी, डिस्टॉर्शन देता है, फील्ड फ्लक्स की जो वेवफॉर्म होती है उसे बिगाड़ के फ्लैट टॉप्ड नहीं रहने देता है। इसके बाद हमने देखा जीएनए और एमएनए का कॉन्सेप्ट, फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर जीएनए, रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर एमएनए, दोनों में आ जाती है आपस में शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग से नुकसान क्या है वो बाद की बात है, अभी हम नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने सब कॉन्सेप्ट देखे हैं, इसको कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार रखना, इस पे न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत रेयर होता है, लेकिन इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में या थ्योरी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन को ही हम अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में और बातें समझेंगे इससे जुड़ी हुई। ठीक है, थैंक यू।